फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। एलन मस्क के जो नए ट्वीट्स हैं उनका क्या मतलब है, डॉगकॉइन कितने तक जा सकता है, इसकी विस्तृत जानकारी आपको इस वीडियो में देंगे, तो अंत तक आप ज़रूर बने रहें। दोस्तों, एलन मस्क लगातार फिर से डॉगकॉइन को लेकर लगातार ट्वीट कर रहे हैं। इनके कुछ ट्वीट्स हैं जिनका पहले आपको मैं मतलब बता देते हैं, उसके बाद में आगे इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। इफ़ यू डिड लाइक टू हेल्प डेवलप डॉग प्लीज़ सबमिट आइडियाज़ ऑन गिटहब, कि अगर आप डॉग कॉइन के विकास के ऊपर कोई भी आपके पास विचार या आइडिया है और डॉग कॉइन के विकास को लेकर आपके पास कोई भी पसंदीदा आपका कोई आइडिया है तो आप सबमिट कर सकते हो। उनका एक ट्वीट तो ये आया है। दूसरा जो ट्वीट आया है, समवन सजेस्ट चेंजिंग डॉग कॉइन फीस बेस्ड ऑन फेज ऑन द मून विच इज़ प्रेटी वेसम, हा, यानी कि किसी ने उनको सजेस्ट किया है कि डोकॉइन की जो फीस है वो चंद्रमा की समान यानी चांद के समान एक निश्चित कर दी जाए कम से कम। जिस प्रकार से आप देखते हो कि डॉलर की जो फीस है वो लगभग 80 तो रहती रहती है, 80 से अप हो सकती है लेकिन 80 रहती रहती है, तो चंद्रमा की जो हाइट्स है उसी के अकॉर्डिंग डोकॉइन की एक निश्चित फीस कर दी जाए। यानी कि जैसे ऐसे बता दिया जाए कि डोकॉइन की फीस 35 रुपये होगी, यानी 35 रुपये तो डोकॉइन की फीस होगी होगी, उसके ऊपर कितनी भी जा सकती है, या फिर जैसे 40 रुपये या 45 रुपये डोकॉइन की फीस होगी, उसके अलावा ऊपर कितनी भी जा सकती है। तो एक आधार बना दिया जाए कि डोकॉइन की फीस $1 होगी और उससे ऊपर कितनी भी जा सकती है, तो इस अकॉर्डिंग उन्होंने इनका ये जो नेक्स्ट ट्वीट था। और जो इनका तीसरा ट्वीट आया, स्पोक विथ नॉर्थ अमेरिकन बिटकॉइन मिनरल्स दे कमिटेड टू पब्लिश प्लीज करंट एंड प्लानेंट रिन्यूएबल यूज्ड एंड टू टास्क मिनरल WWW टू डू सो। यानी कि जो नॉर्थ अमेरिका है, उत्तरी अमेरिका, उन्होंने बिटकॉइन में जो खनिजों का उपयोग होता है उसके बारे में चर्चा की है, और उन्होंने जोर देकर कहा है कि अक्षय ऊर्जा यानी कि सूर्य से प्राप्त होने वाली ऊर्जा का उपयोग किया जाए, और जो खनिजों का उपयोग हो रहा है, जो खनिजों का उपयोग हो रहा है उसको रोका जाए, उसको प्रतिबंध किया जाए। यानी कि इनका सीधा सीधा मैसेज यही है कि इस मामले में नॉर्थ अमेरिका की ओर से भी स्टेटमेंट जारी हुए हैं कि बिटकॉइन का जो उपयोग है उसमें जो खनिजों का दुरुपयोग हो रहा है उसको रोका जाए और अक्षय ऊर्जा यानी सूर्य की ऊर्जा का उपयोग किया जाए। उसके अलावा इनका एक दिन पहले, 2 दिन पहले जो ये ट्वीट आया था, इस ट्वीट्स के अंदर जो उनका सीक्रेट मैसेज था वो आप यहाँ पर पढ़ सकते हो। यू कैन पेट हिम इफ़ यू लाइक, यानी कि अगर आप इसे पसंद करते हो तो आप इसे पाल सकते हो। यानी कि उन्होंने एक जीएस की फ़ोटो दी है और उनके हाथ में एक डॉग है, यानी कि सीधा सीधा मैसेज जो डॉग कॉइन होल्डर्स हैं उनको देना चाहते हैं कि अगर आपको डॉग कॉइन पसंद है तो आप इसे अपने पास होल्ड करके रखिए, आपको किसी प्रकार की टेंशन नहीं है। यानी कि अभी एलोन मस्क पूरी तरीके से डॉग कॉइन के सपोर्ट में है। अब आपको थोड़ा सा इसका मार्केट कैप दिखाते हैं। इसमें आप देख सकते हैं कि डॉगकॉइन जो मार्केट कैप की जो लिस्ट है उसके ऊपर फिलहाल 6वें नंबर पर है। जी हाँ, आप यहाँ पर देख सकते हो डॉगकॉइन जो मार्केट कैप की जो वेबसाइट है उसके ऊपर फिलहाल 6वें नंबर पर एग्जिस्ट कर रहा है। यानी कि डॉगकॉइन की जो रैंक है वो कुछ गिर चुकी है, यानी कि पहले डॉगकॉइन की जो रैंक थी वो 4थे नंबर पर आ गई थी, डॉगकॉइन 4थे नंबर पर आ गया था, लेकिन अब 4थे नंबर से फिसल कर डॉगकॉइन की जो रैंक है वो 6वें नंबर पर आ चुकी है। हालांकि 6वें नंबर की जो रैंक है वो भी बेस्ट है, यानी कि डॉगकॉइन वापस अप होने की पूरी पूरी प्रोबेबिलिटी है। तो जो भी डॉगकॉइन होल्डर्स हैं उन सबको मैं यही कहना चाहूँगा कि आप होल्ड करके रखिए, अगर आपने लॉन्ग टर्म्स के लिए डॉगकॉइन ले रखा है तो आप बिल्कुल लॉस में नहीं होंगे। लेकिन जो न्यू डॉग कॉइन्स, अगर किसको कोई डॉग कॉइन लेना चाहता है तो उनको मैं एक छोटा सा मैसेज अपनी तरफ से ये देना चाहता हूँ कि अगर डॉग कॉइन में आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करते हो तो डॉग कॉइन्स बेस्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डॉग कॉइन्स की जो प्राइस है डेफिनेटली इसमें कोई शंका नहीं है, डेफिनेटली डॉग कॉइन की जो प्राइस है वो $1 तक जाने की पूरी संभावना है। ठीक है, $1 डॉग कॉइन की प्राइस जाने की पूरी पूरी संभावना है। लेकिन अब होता क्या है कि
कि $1 डोकॉइन की प्राइस जाने की संभावना है, लेकिन लोगों ने माहौल क्या बना दिया कि डोकॉइन की प्राइस जो है वो $5 तक चली जाएगी। और इस $5 को सोचकर अगर आप डोकॉइन ले रहे हो तो फिलहाल इस स्थिति में $5 सोच के आप डोकॉइन ना लीजिए। अगर आप डोकॉइन होल्ड कर रहे हो तो $1 सोच के ही डोकॉइन को होल्ड कीजिए, क्योंकि $5 एकदम से इतना, क्योंकि अभी मैम्स कॉइन है, $5 जाने में इसको बहुत सारा समय लग जाएगा। इसलिए अगर आप पूरा अपना इन्वेस्टमेंट केवल डोकॉइन में ही कर देते हो ये सोच के कि इसकी प्राइस $5 चली जाएगी, तो ये आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। हाँ, अगर आप $1 की सोचकर डोकॉइन में इन्वेस्ट कर रहे हो तो द बेस्ट है, लेकिन $1 जाने में भी अभी थोड़ा समय ज़रूर लगेगा। तो अगर आपने ऑलरेडी ले रखा है तो होल्ड करके रखिए, श्योर $1 तक जाएगा। और अगर जो न्यू इन्वेस्टर है तो उनको मैं ये कहना चाहूँगा कि डोकॉइंस के अंदर आप एक ही कॉइन्स के पीछे मत भागो, इसमें अगर आप करते हो तो अपना मैक्सिमम 25% इन्वेस्टमेंट से ज़्यादा इन्वेस्ट मत करना। डोकॉइन की जो प्राइस है $1 से ज़्यादा नहीं जाएगी, $1 तक जा सकती है, तो लेकिन इसमें भी जाने में समय लगेगा, ठीक है। तो ये थी, और इसमें मार्केट के आप देख सकते हो अभी 30% डाउन है, और इसकी जो प्राइस है वो लगभग 0.34, यानी कि अगर आप INR में बात करना चाहते हो तो डोकॉइन की जो प्राइस है वो फ़िलहाल 27.39 पैसे, यानी कि आप लगभग इसको 27.40 या 27.5 रुपये मानकर चलिए। तो अभी बेस्ट टाइम है, अगर आप डोकॉइन लेने के इच्छुक हो तो अभी बेस्ट टाइम है, इसकी जो प्राइस है वो अप होगी। डोकॉइन से रिलेटेड कुछ और बेसिक चीज़ें जो मैं आपको बता देता हूँ, जो आपके लिए जानना बेहद ज़रूरी है। तो आप देखिए, जो डोकॉइन है इसकी जो टोटल सप्लाई है वो आपको यहाँ पर ध्यान देनी है कि डोकॉइन की जो टोटल सप्लाई है, जो फ़िलहाल टोटल सप्लाई है वो 129.74 बिलियन है, और मैक्सिमम सप्लाई, आपको इस चीज़ को नोट करके देखना है कि मैक्सिमम सप्लाई, यानी कि डोकॉइन के अंदर जो सप्लाई लिमिट है वो सेट नहीं की गई है, यानी कि इसकी मैक्सिमम सप्लाई यानी कि अनलिमिटेड सप्लाई है, जो कि एक बहुत बड़ा नेगेटिव पॉइंट है। किसी भी कॉइन की प्राइस अप होने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट होता है कि उसकी जो मैक्सिमम सप्लाई है वो डिसाइड होना। जब तक मैक्सिमम सप्लाई डिसाइड नहीं होगी तब डोकॉइन कभी भी वापस उस गिर सकता है। तो इसलिए ये एक बड़ा रिस्क की कॉइन है फिलहाल, क्योंकि मैम्स कॉइन है, इसका अभी फ़िलहाल कोई यूज़ नहीं है। उसके साथ ही और भी कई बेसिक चीज़ें इसके अंदर, अगर आप देखना चाहो तो मार्केट कैप की वेबसाइट पर जाके आप इसमें देख सकते हो, बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगी इसके अंदर, जो 24 आवर्स के अंदर ये किस प्रकार से ट्रेंड कर रहा है। और इसके अलावा जो इसका कंप्लीट यस्टरडे, और इसका अगर ऑल टाइम अगर आप हाई देखना चाहते हो तो इसका जो ऑल टाइम हाई है वो $0.7376 है, यानी कि अभी जो रेट चल रही है उसका जस्ट डबल से भी थोड़ा ज़्यादा। तो अगर आप फिलहाल अगर इन्वेस्टमेंट करते हो, अगर आप डोकॉइंस के अंदर इस टाइम अगर आप 5,000 रुपये इन्वेस्ट करते हो तो डेफिनेटली 3 या 4 महीने के समथिंग, तो आप कम से कम मान के चलो 4 महीने या 3 महीने के पश्चात इसकी जो रेट है वो आपको डबल देखने को मिलेगी। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, साथ में चैनल पे सब्सक्राइब नहीं कर रखा तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूले। साथ ही अगर आपके पास मन में किसी भी प्रकार का सवाल है तो आप हमें कमेंट्स करके बताइए, और हमारे जो टेलीग्राम चैनल है जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसको भी ज्वाइन कर लीजिए।